तुम इस घर की छत के नीचे क्या कर रहे हो? तुमने इस घर की दहलीज पार कैसे की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भूल गई तुम किस तरह से तुम्हें बेइज्जत करके धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दिया था? बहुत छोटी याददाश्त है तुम्हारी। इतना नाराज नहीं होते रुचि, गुस्सा इंसान की सेहत के लिए बहुत खराब होता है। और जहां तक मेरी याददाश्त का सवाल है, मैं जिंदगी में कुछ नहीं भूलती। ये सवाल जो तुम मुझसे कर रही हो, ये तुम्हें किसी और से पूछना चाहिए। उर्वशी, कुछ पूछ रही थी तुम मुझसे? एक काम करो, तुम यही सवाल अपनी सासू माँ से पूछो, शायद वो तुम्हारी मदद कर पाए। मम्मी ये क्या कह रही है? क्या कह रही है ये? ये इस घर में क्या कर रही है मम्मी? मम्मी मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ ये यहाँ क्या कर रही है? आप तो जानती है इसने किस तरह से मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया था। ये औरत इस घर में क्या कर रही है मम्मी? आप खामोश क्यों है मम्मी? आप इसे कहिए इस घर से बाहर निकल जाए। कुछ कह क्यों नहीं रही हैं आप? क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे इस घर में दोबारा आने की? जैसी औरतों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। Now get out. तुम जैसी औरतें एक ही भाषा समझती हैं। याना कहीं नहीं जाएगी। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? ये हमने जो कहा वो आपने सुना। ये औरत इस घर में नहीं रह सकती। Just get out! उर्वशी, नहीं। आप इसे रोक रही हैं मम्मी? इसे? ठीक है, अगर ये आपका फैसला है तो मेरा फैसला भी सुन लीजिए। अगर ये इस घर में रहेगी तो मैं यहां नहीं रुकूंगी। अब ये क्या कह रही हूं? ये घर आपका है। जहां ये है वहां मेरा घर कैसे हो सकता है? घर मेरे पति की मौत हुई है, मेरे आत्मसम्मान की नहीं।